फॉरेस्ट का रेज 1800, लिंग्रेन देखिए रीरेज करे $6,000 पॉकेट किंग के साथ, एली लेजरा, अरे देख तो लीजिए आपकी बारी है, वहां पर किंग जैक के साथ देखना चाहेंगे रेज के बाद रीरेज खेलना चाहते हैं या नहीं। इतने जल्दी और इतने बड़े पॉट हो जाते हैं, देखिए $10,000 पहले ही हो गए और पैसे अंदर आए, एंड आप इतने बड़े अंडरडॉग हैं, इस हैंड में किंग जैक खेल रहे हैं आप किंग्स के अगेंस्ट, यहाँ पर $14,800, और दोनों ये एक ज़माने के मशहूर प्लेयर जो खेल रहे हैं फ्लॉप की तरफ घुसते हुए, एंड ये देखिए फ्लॉप भी आया जैक है, ये तो दिक्कत वाला टाइम आ गया है किंग जैक का। बिल्कुल टॉप पेयर और सेकंड बेस्ट किकर है आपके पास। आप जब ये को हैंड के साथ कॉल करते हैं $6,000 का बेट, तो शायद आप टॉप पेयर ही फ्लॉप करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर खेलेंगे तो सही, फोल्ड तो आप नहीं कर सकते हैं, तो ये महंगा पड़ सकता है एलेजरा को, मुझे लगता है पॉकेट किंग्स है ओपोनेंट के पास। और देखिए 10,000 की एक काफ़ी बड़ी बेट, पॉट में 14,800 था, 10,000 और डाल के उन्होंने पॉट को ही $25,000 तक पहुंचा दिया, यहाँ पर छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं, उल्टा रीरेज करके आ गए अली लेजरा, बोले देखिए मुझे लगता है आपके पास एक हैंड था एस क्वीन एस किंग टाइप का, वो गुड नहीं है, मैं यहीं अपना जैक को रेज कर देता हूँ, एंड यहाँ $45,000 कर दिया है। किंग्स भी कभी कभी इस सिचुएशन में डरने लग जाते हैं कि आप कितने डूसेस थ्रीज जैक्स, हमने सेट वर्सेस सेट भी देखे हैं कितनी बार होते हैं, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए प्लेयर हमेशा बात करने की कोशिश करते ही हैं। और बिल्कुल, और मुझे ये रेज वैसे अच्छा भी लगता है क्योंकि आपका आपके पास टॉप पेयर है, आपके पास अच्छा किकर है, आपके पास किंग ऑफ क्लब भी है, बैकडोर्स फ्लश ड्रॉप फ्लश बन सकता है अगर दो और क्लब आ जाए, तो मुझे लगता है ये हैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस फ्लॉप के लिए और अच्छा रेज है ये। इनको नहीं पता सामने किंग्स हैं, इन जनरल आपके ओपोनेंट के पास बहुत टाइप के हैंड्स हो सकते हैं, पॉकेट टेंस एस किंग एस क्वीन, उन सब हैंड्स को आप बीट कर रहे हैं। लिंग्रिड देखिए सिर्फ कॉल करके आ रहे हैं, सोच रहे हैं अगर उनके ओपोनेंट के पास एक जैक है उसे तो आराम से हरा ही रहे हैं वो, एंड यहाँ पर $100,000 पॉट में घुस ही चुका है। एक बार एलेजरा पूछते हैं आप कितना और खेल रहे हैं, लिंग्रिड अपने स्टैक को देख के एक बार बता ही दिए कि देखिए इतने और चिप्स मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं एलेजरा पे कितना सारा पैसा नकद कैश पड़ा है, चिप्स पड़ी हैं, सोच रहे हैं यहाँ पर मैं किस चीज़ को हरा रहा हूँ, अगर मैं बेट करता हूँ क्या है कितना पीछे है, डिसाइड किए फाइनली बेट करना $60,000, देखिए कितनी बड़ी बेट, लिंग्रिड सोच रहे हैं अभी भी। मुझे लगता है कॉन्फिडेंट तो रहेंगे लिंगरेड यहाँ पे, पॉकेट किंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है, ऑल्दो उनकी शक्ल से नहीं लग रहा कि वो बहुत खुश हैं अपने हैंड से, पर मुझे लगता है वो ये बात रियलाइज करते हैं कि बहुत अच्छा हैंड है उनके पास। और ये जो हाँ टर्न पे फोर ऑफ डायमंड आया है, मुझे लगता है एलेजरा को लग रहा होगा उनका हैंड अभी भी बेस्ट है, काफी ब्रिक काट रहा है ये, किसी को मदद नहीं करते हुए। यहाँ पर ये कॉल $60,000 की या रीरेज ही कर दिए, लिंग्रेन ने बोल ही दिया है देखिए है तो है मेरे हैंड बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर मैं छोड़ तो नहीं सकता हूँ, आपने 60,000 मांग ही लिए हैं, बाकी मेरे पास जितना पीछे बचा है वो भी और लीजिए, रीरेज कर दिया है उन्हें, ऑल इन दो तरह के फ्लश ड्रॉ हैं, उससे भी उन्हें थोड़ा डर लग रहा होगा इसीलिए, एंड बहुत खुशी भी मिलती है जब आप ऑल इन चले जाएं टर्न पे आपके रीरेज बेट के अगेंस्ट और आपका ओपोनेंट स्नैप करके कॉल ना कर दे, थोड़े अब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उन्हें समझ में आ ही गया है अब शायद कि वो ओपोनेंट के एक जैक के अगेंस्ट ही हैं। बिल्कुल, अगर सेट होता अगर बाय चांस एलेजरा पे, तो उन्होंने अभी तक तुरंत कॉल कर दिया होता, तो मुझे लगता है अब तक ये समझ गए होंगे लिंडन की उनके पास बेस्ट हैंड है। देखिए और और $96,000 कॉल करने थे, एंड सिचुएशन इतनी अच्छी लिंग्रेन के लिए, 95% फेवरेट है वो, 300,000 का पॉट, $3,00,000 का पॉट है, और एक रिवर जैक चाहिए वो बिल्कुल नहीं आया, एस जैक अगर कहीं से होता तो स्ट्रेट बना लेते, लेकिन किंग जैक सबसे वर्स्ट पोजीशन में थे किंग्स के अगेंस्ट, एंड इतना बड़ा पॉट, एक दो बार रन करने की इन्होंने कोशिश करी है ताकि पॉट के दो हिस्से करें और दो रिवर्स के हिसाब से वो पॉट बांटें, पर दोनों ही लिंग्रेन को जीतने को मिले, पहली बार एक 5 आया दूसरी बार एक 3, एंड देखिए $3,00,000 का पॉट, इतना बड़ा पॉट उनके नाम पहुंचा।
बिल्कुल। और जब ऐसे ये कैश गेम में हमें बहुत बार देखने को मिलता है, जब पॉट्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो रिवर या टर्न कई लोग मल्टीपल टाइम्स खुलवा लेते हैं और बांट लेते हैं पॉट जिस रेशियो में नंबर ऑफ रिवर्स जीतते हैं। अगर 2 बार खुला, एक आप जीते एक मैं जीता, तो पॉट हाफ हाफ हो जाएगा। दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्ले रिस्पॉन्सिबली।